स्टूडेंट्स इस पूरी दुनिया को बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इंडिया में किस टाइप का क्लाइमेट है? अगर आप ये नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज के लेक्चर से हम यही पता लगाएंगे। तो आइए पूरी एनर्जी के साथ शुरू करेंगे आज का टॉपिक, इंडियाज क्लाइमेट। सबसे पहले तो दोस्तों ये जानते हैं कि आखिर वेदर और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, आखिर ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो वेदर से हमें ये पता चलता है कि आखिर एक एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर कैसा एटमॉस्फेयर है। ध्यान दीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर, इसलिए हम कहते हैं कि आज सुबह काफी क्लाउडी मौसम था, दोपहर को काफी गर्मी थी और रात में बहुत ठंड थी। इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि मॉर्निंग में हमने क्लाउडी वेदर, आफ्टरनून में वार्म वेदर और रात में कूल वेदर एक्सपीरियंस किया। इसका मतलब ये है कि वेदर डेली बेसिस पर ही नहीं बल्कि एक दिन में बहुत बार भी बदल सकता है। लेकिन क्लाइमेट के केस में ऐसा नहीं होता। क्लाइमेट दोस्तों एक एरिया की पहचान होता है। क्लाइमेट के केस में हम एक बड़े एरिया के वेदर को लंबे समय तक एनालाइज करते हैं, इसलिए हम जनरली कहते हैं कि हिल स्टेशंस का कूल क्लाइमेट होता है। दोस्तों वेदर और क्लाइमेट के बेसिस पर ही एक साल को हम डिफरेंट सीजन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि समर सीजन, विंटर सीजन या फिर रेनी सीजन। तो अब सवाल ये है कि आखिर वेदर और क्लाइमेट को हम मेजर कैसे करते हैं, आखिर ये हम कैसे पता लगाते हैं कि एक एरिया का क्लाइमेट और वेदर क्या है। तो स्टूडेंट्स 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्लाइमेट और वेदर को मेजर करते हैं। आइए मैं आपको उनके नाम बताती हूँ। टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर ह्यूमिडिटी का मतलब मॉइस्चर से है और प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश या फिर स्नो के गिरने से। तो चलो अब वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड तो बहुत सारी बेसिक बातें हो गई, अब हम इंडिया पर ध्यान देते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। फ्रेंड्स इंडिया में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। जनरली हम लोगों को ऐसा लगता है कि मॉनसून सीजन का मतलब है बहुत तेज बारिश का होना, लेकिन दोस्तों ये पूरा सच नहीं है। मॉनसून सीजन विंड्स की मूवमेंट के चेंज होने से आता है। इस सीजन में बहुत तेज बारिश भी हो सकती है और बहुत कम बारिश भी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिया में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है तो मतलब कि इंडिया में हमेशा बहुत तेज बारिश होती रहेगी, ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत तेज बारिश भी हो सकती है और बहुत कम बारिश भी। दोस्तों ये जो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में मॉनसून क्लाइमेट ही डोमिनेट करता है। इसका इंडिया को फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा तो ये है कि अगर इंडिया में अच्छे से बारिश होगी तो इंडिया में हम कल्टीवेशन इजिली कर पाएंगे, और नुकसान ये है कि अगर बहुत तेज बारिश होगी तो इंडिया में फ्लड्स के आने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अब तक की बातों को समझकर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, यानी कि इंडिया में बहुत तेज बारिश भी आ सकती है और बहुत कम बारिश भी। इंडिया की हर स्टेट में स्टूडेंट्स अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं, और इस बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बात करना चाहती हूँ। दोस्तों समर्स में अगर आप राजस्थान जाएंगे ना तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी, इतनी ज़्यादा गर्मी कि टेम्परेचर अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। ज़रा सोचिए कितनी गर्मी होगी। और उसी समय अगर आप जम्मू कश्मीर में पहलगाम जाए तो वहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। विंटर्स में भी ऐसा हो सकता है कि इंडिया के कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो और कुछ स्टेट्स में ज़्यादा विंटर हो ही ना, यानी कि कुछ स्टेट्स में लोगों को विंटर क्लोथ्स पहनने का चांस ही नहीं मिलता, ऐसा हो सकता है। टेम्परेचर के अलावा अगर मैं प्रेसिपिटेशन की बात करूँ तो दोस्तों अगर आप हिमालयाज में जाएं तो हिमालयाज में प्रेसिपिटेशन स्नो की फॉर्म में होती है, और जब हिमालयाज में स्नो गिरती है तो इंडिया के बाकी रीजन्स में बारिश होती है। अब बारिश भी इंडिया की हर स्टेट में सेम लेवल पर नहीं होती। जैसे कि अगर आप मेघालय जाएं
तो मेघालय में पूरे साल में इतना पानी गिरता है कि अगर आप दो ह्यूमन बीइंग्स को वर्टिकली जोड़ देंगे ना तो वो भी डूब जाएंगे, इतनी ज्यादा बारिश होती है वहाँ। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लद्दाख जाएं तो वहाँ पूरे साल में बहुत ही कम पानी गिरता है। इससे हमें ये पता चला कि इंडिया के हर स्टेट में डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों इंडिया में अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे ना तो बारिश कम होती जाएगी। लेकिन दोस्तों क्लाइमेटिक कंडीशंस में इतनी वेरिएशंस आपको इंडिया के इंटीरियर पार्ट में ही मिलेगी, कोस्टल एरियाज में नहीं। कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर ज्यादातर चेंज नहीं होता और इसका रीजन भी विंड्स की मूवमेंट से ही है। डिटेल में हम आने वाले लेक्चर से समझेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। PuStack चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सर्कल पर क्लिक कर सकते हैं, इससे आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब PuStack चैनल की ऐप भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और PuStack की ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।